हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आज मैं हूँ सादिक समीर के साथ, समीर के वीलॉग्स चैनल पे। अच्छा, आज हम कुछ सोच रहे थे कि आज हमें डिस्कशन की चीज़ पे करनी चाहिए, तो हमें अचानक से याद आया कि इस साल अंदाज अपना को 25 साल पूरे हो चुके हैं। 25 साल हो गए, ठीक है। और ये एक ऐसी फिल्म है, 25 साल हो जाए, 50 साल हो जाए, 100 साल हो जाए, ये फिल्म एवरग्रीन रहेगी, ठीक है। दिस इज, अच्छा हमारे नज़दीक जो अंदाज अपना है, खासकर मैं जो सोचता हूँ, अंदाज अपना मेरे लिए ग्रेटेस्ट कॉमेडी एवर मेड है। उसकी वजह ये कि उस फिल्म में एक भी सीरियस सीन नहीं है, और प्योर कॉमेडी वो होती है जिसमें सिर्फ कॉमेडी हो, जिसमें सीरियस सीन होना ही नहीं चाहिए। लाइफ इटसेल्फ ऐसी होनी चाहिए कि यार आप लिमिटेड टाइम दे लो, और यू नो। तो खैर, हम टॉपिक से थोड़ा डाइवर्ट हो रहे हैं। मैं अंदाज अपना हमने क्यों चूज़ की कि अंदाज अपना को एक तो 25 साल हो गए, दूसरी वजह ये है कि इसका जो इम्पैक्ट है फिल्म का, सिर्फ एक कंट्री में नहीं, ग्लोबली जो इसका इम्पैक्ट है, जो और जो इसने एक जोड़ी क्रिएट की आमिर सलमान की, बिल्कुल, उसके बाद आई थिंक ये लोग वापस कभी नहीं, वापस इन्होंने काम नहीं किया। शाहरुख और आमिर ने, सलमान ने किया था करण अर्जुन में, और करण अर्जुन उसके अलावा हम तुम्हारे हैं सनम, हम तुम्हारे सनम, माधुरी दीक्षित, और स्पेशल अपीयरेंस में हर दिल जो प्यार करेगा में भी थे, तो काफी। लेकिन इन दोनों ने काम नहीं किया, हालांकि बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन ये आज भी क्लोज फ्रेंड्स है, और 10 कदम में भी साथ रहते, और ये बात हो रही थी कि दोनों दोस्त एक ही प्याले में चाय पिएंगे, बहुत डायलॉग है, सही है। तो आज हम इसलिए डिस्कशन कर रहे हैं, तो आज हम लोग पहले एक तो इस पे ओवरव्यू करते हैं थोड़े, इसके जो फेमस डायलॉग्स हैं, पहले एक आप बोले। मैं क्या बोलते हैं, आया हूँ, गोगा का डायलॉग क्या था कि आया हूँ तो कुछ लेके जाऊंगा, क्राइम मास्टर गोगो, क्राइम मास्टर, इतनी दूर से आया हूँ, दूर से आया हूँ तो कुछ लेके ही जाऊंगा, ठीक है। और वो दूसरा क्या था, क्या नाम है, तेजा, मैं हूँ तेजा, तेजा मैं हूँ, मार किधर है, मैं हूँ तेजा, मार किधर है, ठीक है, तेजा। और इसके अलावा, इसके अलावा रॉबर्ट और भल्ला, मोना डार्लिंग, इसके अलावा जो नहीं, आई थिंक भल्ला था, भल्ला बोलता है सर गलती से मिस्टेक हो गया, मिस्टेक हो गया, ठीक है। अच्छा, काफी अच्छा कैरेक्टर। और इसके अलावा वो जो परेश रावल का, मुझे लगता है वो अच्छा, परेश रावल की आप खास बात नोट करें, मैं वो स्पेसिफिक कैरेक्टर, अच्छा, मुझे जो पूरी फिल्म में जो कैरेक्टर बेस्ट लगता है ना, वो परेश रावल का लगता है। अब आप देखिए, उस साल या उससे पहले उनकी फिल्म आई थी सर, जिसमें वो विलन बने थे, ठीक है, वो एक डेंजरस टाइप का विलन, और अगले साल ये इतना अजीब सा कॉमेडियन विलन बन गया, विलन कह सकते हैं। अच्छा, उसकी अब फ्रस्ट्रेशन देखो, पता है मुझे वो पूरी फिल्म में विलन नहीं लगा, क्योंकि वो बेचारा कुछ हासिल करना चाह रहा था, लेकिन उसको फिर कुछ मिल नहीं सका, यू नो। अच्छा, उसके अलावा सादिक भाई, दूसरा करिश्मा और रवीना, अच्छा करिश्मा का नाम रवीना था, रवीना का नाम करिश्मा था, दोनों जो है आमिर खान, और वो मतलब समझते हैं कि ये पैसे वाली है, निकलती वो है, मतलब इसमें करिश्मा नौकरानी टाइप वो दिखाई है ना उनके साथ, मतलब वो रह रही होती है, बाद में वही अमीर निकल आती है, वो बड़ी जबरदस्त मुझे चीज लगी। अच्छा, दोनों की एक्टिंग भी डिफरेंट थी, फिर मेरे ख्याल से करिश्मा रवीना, मुझे याद नहीं पड़ा करिश्मा कपूर, रवीना कपूर, रवीना टंडन कभी साथ में आई है, ठीक है। और अच्छा, ये चारों जो थे ना उस जमाने में थोड़े स्ट्रगलिंग थे, लेकिन फिर आगे जाके मतलब चारों ने अपना पीक टाइम भी देखा, क्योंकि उसी साल मतलब करिश्मा कपूर ने एक बहुत बड़ी हिट दी, आई थिंक करिश्मा कपूर राजा बाबू में थी उस साल, राजा बाबू में भी है ना, ब्लॉकबस्टर थी, मोहरा में आपकी रवीना टंडन थी, ब्लॉकबस्टर थी, अनाड़ी में भी ये थी ना, अनाड़ी में भी इससे पहले की है, मेरे ख्याल उसी पीरियड की है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके 2 साल बाद आमिर खान ने राजा हिंदुस्तानी की, और उसके अगले साल रंगीला भी की आमिर खान ने, और सलमान खान ने उस साल की सबसे बड़ी हिट की, मतलब इन चारों में सही मानों में सबसे बड़ा विनर जो था सलमान खान था, हम आपके कौन की थी उन्होंने, ठीक है। तो ये चारों मतलब ये फिल्म इनकी रही थी, लकी साबित हुई, उसके बाद से इनको ब्रेक्स मिले और ये सुपरस्टार होना साबित हो गए थे, तो ये फिल्म बहुत स्पेशल रहेगी इन एवरी एस्पेक्ट। अच्छा, 100 बार मैं तो देख चुका हूँ, जो मेरा अंदाज है, आप 100 बार कह रहे हो, मैं तो काउंट भूल गया, मुझे याद नहीं है, मैं बार बार देखो, 1000 बार देखो, ये वही वाली बात है कि देखने की चीज है। और हम लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हैं ना, दोस्त लोग वगैरह मिलते हैं, तो अंदाज अपना डायलॉग्स के साथ बात करते हैं आपस में, ये डायलॉग जब भी चाय पी रहा होता हूँ मैं, तो अक्सर अगर किसी क्लोज फ्रेंड के साथ हो तो हम दोनों दोस्त एक चाय एक प्याली में चाय। और परेश रावल के सबसे बेस्ट डायलॉग जो मुझे लगता है ना इसमें, कहने एक दूसरे को जो पैसे देते हैं, ये मैयत के पैसे है, फिरौती का चंदा है, मतलब फिरौती के पैसे मैयत का चंदा है, मैं डायलॉग भूल जाता हूँ। और वो वाला सीन भी बड़ा जबरदस्त है, आप पुरुष नहीं है, महापुरुष है, वो वाला सीन बड़ा जबरदस्त है आमिर खान का, आमिर खान की बात ही कुछ और, अब थोड़ा सा कुछ ज्यादा सीरियस हो गए, लेकिन पहले जो जैसे रंगीला में भी उनका एक अंदाज था, अभी मैंने स्मार्ट शंकर मूवी देखी थी, जो उसकी जो आई स्मार्ट शंकर, वो जो है तेलुगु मूवी थी, उसमें मुझे इनकी झलक नजर आ रही थी, वो बोलता है ना कि फैन इधर घुमाना सर, एसी इज ऑन, नहीं बोलता है फैन चालू करना सर, एसी इज ऑन, इधर घुमाना खाने में क्या है, तो वो वाला बड़ा जबरदस्त, मतलब वो ही मुझे टच नजर, तो आमिर खान के तो बात ही कुछ और है, मेथड एक्टर है। तो अंदाज अपना तो भाई मतलब के लाइफ का पार्ट ही लगता है, एक और भी बहुत सी फिल्में हैं, लेकिन इस फिल्म को तो ये सबसे यूनिक है। हाँ, जैसे अगर कुछ साल पुरानी फिल्मों की बात की जाए, जैसे हंगामा, हंगामा फिल्म में भी डायलॉग या चीजें ऐसी है काफी, उसके अलावा हेरा फेरी तो है ही है, वो तो बाबू राव, तो मतलब अच्छा ये सारी फिल्मों की जब बात कर रहे हैं ना, सॉरी टू
इंटरव्यू, लेकिन ये जो आप कॉमेडी की बात कर रहे हैं ना, सब में कुछ ना कुछ सीरियस है, इसमें ये मुझे खास लगती है, इसमें सीरियस एक वर्ड नहीं, डायलॉग नहीं, शुरू से एंड तक। अच्छा, उसका खास म्यूजिक टन 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 वो चल रहा है, मतलब गाना भी तो एक है, इलो जी सनम हम आ गए आज फिर दिल ले। अच्छा, इस फिल्म की खास बात, इसको पता है जिस डायरेक्टर ने बनाया, हमने सारी बात करी डायरेक्टर यानी जिसने क्रिएट की, उसकी बात नहीं कर रहे, राजकुमार संतोषी। राजकुमार संतोषी ये वो आदमी है जिसने 3-4 साल पहले घायल बनाई, उसके 2 साल बाद घातक बना रहे, मतलब कहाँ कायल घातक कहाँ अंदाज अपना अपना। ये मुझे अग्निपथ का डायलॉग याद आ गया कि हवा तेज उड़ता है काचा, हवा तेज उड़ता है, मुझे वो डायलॉग याद आ रहा है, लगता है बर्फ पड़ने वाली है, तो लगता है बर्फ पड़ने वाली है, वो गोलमाल में नहीं बोलते, असल उसका डायलॉग है वो ब्लैक का, मेरे ख्याल ब्लैक का था ना रानी। अच्छा, फिर गोलमाल में ब्लैक का रेफरेंस भी दिया था उन्होंने, वहां के व्यू कर रहे थे, तो वाला डायलॉग याद है उसमें, तो बारिश वो बर्फ बोलता है, लेकिन हम ये बोल सकते हैं लगता है बारिश से हो भी रही है। सही है। अच्छा, फिर ये सारी चीज हो गई, तो राजकुमार संतोषी की हम बात कर रहे थे, उस बंदे से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यार इतनी सीरियस फिल्म बना रहा है, घायल, वो सो ट्रेजिक एंड वो सो सच, यू नो, एक ऐसी ऐसी चीजें उसमें आ रही है, और फिर इतनी कॉमेडी फिल्म बना रहे हैं, एक्सट्रीम पे चला जाता है बंदो इतनी परफेक्शन के साथ। तो राजकुमार संतोषी बड़ा ब्रिलियंट डायरेक्टर रह चुका है, अभी रिसेंट कोई आई इनकी फिल्म कोई लास्ट मुझे याद पड़ा अजब प्रेम की गजब कहानी है, अजब प्रेम की, उसके बाद से उन्होंने मुझे याद नहीं पड़ा है कि उन्होंने कोई फिल्म बनाई है, लेकिन अच्छा फिर दामिनी भी आई थिंक इन्हीं की है, दामिनी भी वो बड़ी ब्रिलियंट फिल्म, दामिनी का तो डायलॉग आपको पता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, आज गालियां भी बना दी तेरी मां। अच्छा, और वही घायल का था बलवंत राय, बलवंत राय के कुत्ते घायल के, तो बहुत मैं गाँव में जाता आज भी लोगों को डायलॉग याद है, मैं मतलब पुराना मेरे गांव जो है, जो असल गांव जो प्रॉपर जो बोलते हैं ना, जो देहात, वहां पे जो है मतलब जो बिल्कुल जो क्या कहते हैं अपना रूरल एरिया, वहां पे जो है मैं देखता था ये फिल्म जब चलती थी ना, लोग बस चाय की प्याली हाथ में और ये फिल्म देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा डायलॉग मतलब जो क्या कहता है कि ये मजदूर का हाथ है कातिया, और एक एक डायलॉग फेमस है, और कातिया के बारे में मतलब एक लोग पसंद करते थे, भले वो नेगेटिव था लेकिन एक मतलब लोगों के जहन में बैठ गया था कातिया का कैरेक्टर जो है, और वो मुझे मार्केट का वो जहन सीन अभी तक सही याद आता है, जिस तरह सारे लोग छुपते हैं, दुकानें बंद करने लगते हैं, और किस तरह माहौल, तो मतलब एक यादें हैं, और आज बारिश हो रही है तो ये सारी यादें हमें, फिर यही सारी चीज़ें हो गई, और फिर मतलब काफ़ी अच्छा लगता है कि यार मतलब ये सारी फिल्में रिलीज हुई, और ये हमारी फिल्म का लाइफ का पार्ट है, लोग कभी कभार अच्छा लोग कभी कभार भी क्रिटिसाइज करते हैं, तुम लोग फिल्मी हो, तुमको दूसरा काम नहीं है वो, बट समझते नहीं है, पीठ पीछे वही फिल्म लोग फिल्म देख रहे होते हैं और तफरी कर रहे होते हैं, तो मतलब यू नो दे आर पार्ट ऑफ आर लाइफ्स, जो आपको चीज खुश करे तो यू नो यू शुड वॉच इट अगेन, और जो लोग जो डिनाई कर रहे हैं ना कि यार हम बॉलीवुड नहीं देखते थे या नहीं देखा हमने, तो वो जो है ना झूठ बोल रहे हैं, हमने तो, हम तो भाई सीधी सी बात मानेंगे, बॉलीवुड हमारे लाइफ का पार्ट रहा है, बहुत ज्यादा पार्ट रहा है, बचपन से देखते आ रहे हैं, तब अचानक से हम कह दें कि नहीं यार हम तो बॉलीवुड नहीं देखते, भाई क्यों नहीं देखते, हम तो देखते हैं भाई, सीधी सी बात है, तो बॉलीवुड ये कि इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री जरूर है, लेकिन वो ग्लोबल इंडस्ट्री बन चुकी है, अब उस पर किसी ये नहीं है कि अब कोई इंडिया का अगर पर्सन है मुझे कहा यार तुम हमारी फिल्म क्यों देखता है, भाई फिल्म इसलिए देखता हूँ कि फिल्म और एंटरटेनमेंट इन चीज़ का कोई वो नहीं होता, किसी का कॉपीराइट होगा उस पर होगा कि मैं अगर कोई अपने चैनल पर अपलोड कर दूँ फिल्म, वो उस पर कॉपीराइट आ सकता है, फिल्म की बात करते हैं इस वीडियो में हमारे कोई भी कॉपीराइट नहीं दे सकता कि आप अंदाज अपना अपना क्यों बात कर रहे हो या दूसरी मूवीज की क्यों बात कर रहे हो, तो बस वही है कि थोड़ा माइक ऊपर करो, बस यही चीज़ें सारी, बस ये कि अंदाज अपना अपना कि हमें यादें थोड़ी बातें याद आ गई थी और बारिश को एंजॉय कर रहे थे, तो हमने सोचा कि यार इस हवाले से थोड़ी बात की जाए, और यादें से याद आया कि यादें फिल्म रिलीज हुई थी आज से कुछ 1-2 दिन पहले, ऋतिक रोशन वाली, उसको 18 साल पूरे हो गए, यानी वो फिल्म भी मैच्योर हो गई। अच्छा, मजे की बात, वो फिल्म भी मेरे बर्थडे पे रिलीज हुई थी 27 जुलाई को, ये याद है किसी के चले जाने के बाद चली जाती है, वो बड़ी स्पेशल फिल्म थी वो भी, तो बस ये कि वाइंड अप कर दें, जी बिल्कुल, तो बस हम यही कहना चाह रहे थे कि यू नो आज हमने कुछ इन खूबसूरत मौसम से खूबसूरत यादें हमें ताजा हुई, छोटा छतरी को हटा देने का, अगर ऐसे पकड़ूं, नहीं आप नहीं उड़ेंगे तो बस होपफुली आप लोग को वीडियो अच्छी लगी, कि थोड़ा सा हमने यार हमारी कोशिश होती है भाई रिव्यू के साथ साथ थोड़ा फन फैक्टर भी इसमें, फन एलिमेंट जरूर होना चाहिए, तो आज थोड़ा सा मौका मिल गया, सारिक भाई हमेशा सीरियस ज्यादा रहते हैं लेकिन अंदर से ये भी चुलबुले हैं, तो कोशिश करता हूँ कि इनको थोड़ा सा बस जगाता रहूँ, इनके अंदर का जो एक शैतान है, शैतान तो नहीं कहेंगे, जो इनके अंदर का जो जोकर है, तो जो जोक करता है, तो होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।